मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो दोबारा से हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं स्पोर्ट्स बुलेटिन, जिसमें हम बात करेंगे सभी लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज के बारे में आप सभी के साथ। तो चलिए पहले इंट्रो हो जाए, फिर उसके बाद अपनी ये जो स्पोर्ट्स बुलेटिन है वो शुरू करते हैं। बैडमिंटन की तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेनमार्क ओपन फिलहाल खेला जा रहा है, जिसमें काफी सारे भारतीय शटलर्स नजर आ रहे हैं। तो चलिए हम उसी के बारे में बात करते हैं कि कल के दिन भारतीय शटलर्स के मैचेस के क्या क्या रिजल्ट्स रहे। तो लक्ष्य सेन अपना मुकाबला जीतने में कामयाब रहे, जिन उनका मुकाबला था उनके फेलो इंडियन शटलर सौरभ के खिलाफ, जो कि लक्ष्य सेन ने काफी आसानी से यानी कि 21-9 से अपने नाम कर लिया। आज आपको दोबारा से लक्ष्य अपना जो प्री क्वार्टर फाइनल्स है वो खेलते हुए नजर आएंगे वर्ल्ड नंबर 2 विक्टर एक्सेलसन के खिलाफ। तो देखने वाली बात होगी आज के मुकाबले में लक्ष्य किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं। वहीं अगले मैच में नजर आई साइना नेहवाल, जिनका मुकाबला था जापान की शटलर आया ओहोरी से, लेकिन साइना इस मुकाबले को जीतने में कामयाब नहीं हो पाई और जापान की शटलर ने उन्हें 21-16 21-14 से इस मुकाबले में हरा दिया और साइना यहीं से ही बाहर हो गई। अगले मुकाबले में दिखाई दी एच एस प्रणॉय, जिनका मुकाबला था इंडोनेशिया के शटलर जोनाथन क्रिस्टी से। ये मुकाबला काफी क्लोज किया और जो प्रणॉय थे उन्होंने काफी अच्छा मैच खेला, लेकिन प्रणॉय एक भी सेट जीतने में कामयाब नहीं हो पाए और स्ट्रेट सेट्स में उन्हें इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ, प्रणॉय इस मुकाबले को 18-21 और 19-21 से हार गए। क्लोज तो वो काफी गए और काफी उन्होंने कोशिश करी, लेकिन रिजल्ट्स उनके पक्ष में नहीं जा पाए और वो भी यहीं से ही बाहर हो गए। वहीं अगले मुकाबले में नजर आए पारुपल्ली कश्यप, जिनका मैच था चाइनीज ताइपे के शटलर चौथियन चेन से, लेकिन बात की जाए तो पहले ही सेट में 3-0 से पीछे चल रहे थे पारुपल्ली कश्यप और उसके बाद वो रिटायर्ड हर्ट हो गए, जिसके बेसिस पे चाइनीज ताइपे के शटलर ने मुकाबला अपने नाम किया और पारुपल्ली यहीं से ही बाहर हो गए। वहीं बात की जाए आज के मुकाबलों की, तो आज भारत के अब तक कुछ ही मुकाबले हो पाए हैं। सबसे पहले नजर आए किदंबी श्रीकांत, जिनका मैच था वर्ल्ड नंबर 1 केंटो मोमोटा के खिलाफ। पहले सेट में काफी बेहतरीन फाइट दी किदंबी ने मोमोटा को और काफी अच्छी वो लीड भी लेने में कामयाब रहे, लेकिन उस लीड को वो कामयाब माफ कीजिए उसको मेंटेन नहीं कर पाए और उन्होंने काफी आसानी से अपनी 5 से 6 पॉइंट्स की लीड जो बना के रख रहे थे, पहले स्टार्टिंग में उन्होंने बनाई, फिर उसके बाद में भी वो बना रहे थे, लेकिन वो मेंटेन करने में कामयाब नहीं हो पाए और उनके पास 3 गेम पॉइंट्स भी थे, लेकिन वो भी उन्होंने लूज कर दिए और पहला सेट वो हार गए और दूसरे सेट में तो एक तरफा ही वो सेट रहा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ, किदंबी अपने मुकाबले को 21-23 और 9-21 से हार गए और वो यहीं से ही बाहर हो गए। वहीं अगले मुकाबले में नजर आई पीवी सिंधु, जिनका मैच था थाईलैंड की शटलर बुसानान के खिलाफ। ये मैच आप बोल सकते हैं कि पहले देखने में तो एक तरफा लग रहा था और पीवी काफ़ी लीड करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन बुसानन ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और 3 सेट तक वो इस मुकाबले को लेकर जा चुकी थी, लेकिन रिजल्ट्स पीवी सिंधु के हक में ही रहे और पीवी इस मुकाबले को जीत गई 21-16 12-21 और 21-15 से और राउंड ऑफ 16 में पीवी जा पहुंची है। वहीं अगले मैच में नजर आई मिक्स डबल्स, भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी, जिसमें ध्रुव कपिला और एनसी किरेडी का मैच था वर्ल्ड नंबर 11 हांगकांग की जोड़ी से। 3 सेट तक ये मुकाबला गया, लेकिन जो मैच का रिजल्ट था वो भारतीय जोड़ी के पक्ष में नहीं जा पाया और ध्रुव कपिला और एनसी किरेडी को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। 17-21 21-19 और 11-21 से वो इस मुकाबले को हार गए। वहीं अभी काफी सारे मैचेस बचे हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि लक्ष्य सेन आज आपको दोबारा से एक्शन में दिखेंगे, जिनका मुकाबला विक्टर एक्सेलसन के खिलाफ है। वहीं उनके अलावा समीर वर्मा, उनका मुकाबला वर्ल्ड नंबर 3 एंटनसन के खिलाफ है और मेंस डबल्स की जोड़ियां भी आप सभी को नजर आएंगी, यानी कि ध्रुव कपिला एम आर अर्जुन की और दूसरी और चिराग और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी की, यानी कि अभी काफी मेन और इम्पोर्टेंट मैचेस बचे हुए हैं।
अब तक भारत की सिर्फ एक ही खिलाड़ी यानी कि पीवी सिंधु राउंड ऑफ 16 में जगह बना चुकी है। अब देखते हैं कि इन बाकी मैचेस के क्या रिजल्ट्स रहने वाले हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले खेल की ओर जो कि रहने वाला है स्विमिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बैंगलोर में नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप खेली जा रही है जिसमें एक और रिकॉर्ड टूट चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आस्था चौधरी की जो कि केवल 17 वर्ष की है। उन्होंने नया जूनियर और सीनियर नेशनल रिकॉर्ड सेट कर दिया है 100 मीटर बटरफ्लाई में। उनकी इसमें टाइमिंग्स रही है 1:02.71 और काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उन्होंने जो पुराना सीनियर नेशनल रिकॉर्ड है और जो जूनियर नेशनल रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया और नया बना दिया। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में और कितने रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं और नए रिकॉर्ड्स बनने वाले हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले खेल की ओर जो कि रहने वाला है क्रिकेट। विमेन बिग बैश लीग सीजन 7 से काफी बड़ी और शॉकिंग न्यूज आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेलबर्न रेनेगेड्स की खिलाड़ी जॉर्जिया वेरेहाम के बारे में। जॉर्जिया, अब आप सभी को जो WBBL सीजन 7 है उसका जो बाकी मैचेस है, जो बाकी सीजन है, वो खेलती हुई नहीं नजर आने वाली है क्योंकि स्कैंस उनको वो चोटिल हो गई थी जिसमें स्कैंस के बाद ये कंफर्म करा गया है कि उन्हें ACL रप्चर पाया गया है उनके लेफ्ट नी में, जिसकी वजह से अब वो आप सभी को इसमें खेलती हुई नहीं नजर आएगी। अपना जो बाकी का सफर है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी। वैसे बता दे तो रेनेगेड्स के लिए काफी बड़ा झटका है क्योंकि जॉर्जिया काफी बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी। साथ ही उन्होंने पिछले मुकाबले में वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रही थी अपनी टीम के लिए और काफी अहम भूमिका निभाती वो नजर आ रही थी। तो देखते हैं कि अब मेलबर्न रेनेगेड्स क्या स्टेप लेती है और उनकी जगह कौन सी खिलाड़ी अब टीम में शामिल होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर जो कि जुड़ी हुई है नीरज चोपड़ा से। तो टोक्यो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने अपनी ट्रेनिंग दोबारा से शुरू कर दी है। जी हाँ, उन्होंने पोस्ट डालकर ये कंफर्म किया है कि वो दोबारा से ट्रेनिंग पे आ चुके हैं। SAI पटियाला में वो अपनी ट्रेनिंग को दोबारा से रिज्यूम कर चुके हैं और पूरी तरीके से उनका जो पैशन है, जो हंगर है, वो बिल्कुल सेम है एज इट इज़ है और वो पूरी दिलोजान से मेहनत करेंगे और एक और मेडल लाने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही आने वाले टूर्नामेंट्स में अपने नाम ज्यादा से ज्यादा मेडल्स करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम इस स्पोर्ट्स बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर जो कि जुड़ी हुई है बॉक्सिंग से। तो बॉक्सिंग में 5th इलाइट वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप आज से शुरू हो गई है हिसार में। तो काफ़ी सारी यंग बॉक्सर्स आप सभी को इस चैम्पियनशिप में नज़र आएंगे और काफ़ी अच्छा मौका और प्लेटफॉर्म है उनके पास अपने जो टैलेंट है उनके अंदर उसको शो करने का और जो सेलेक्टर्स है उनको इम्प्रेस करने का। तो चलिए, ये थी हमारी आज की स्पोर्ट्स बुलेटिन आप सभी के लिए जिसमें हमने सारी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ कवर कर दी है आप सभी के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए आप सब हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और उसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, फिर जल्दी मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब जुड़े रहिए आपके अपने चैनल आपकी बैठक के साथ। सो थैंक यू एवरीवन।